कांग्रेस का इन्वेस्ट कहाँ होता था? भ्रष्टाचार में, आतंकवाद में, बेईमानी में, यही होता था। कभी कांग्रेस के मुंह से सुना कि हमने ये डेवलप किए? कांग्रेस की नीति क्या रही है? चुनाव के समय आओ, लोगों को बहकाओ और वोट ले जाओ, फिर 5 साल उनको पूछो नहीं। मोदी जी क्या कहते हैं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी मेरा परिवार है। कभी कांग्रेस के किसी भी नेता के मुंह से सुना है? वो तो हमारे धर्म को नहीं मानते, उनको ये नहीं पता हिंदुस्तान कौन है। हिंदुस्तान ऋषि मुनियों का देश है। आपने मूवी देखी हो ना OMG, उसमें कुछ बाबा ढोंगी भी होते हैं। कभी जनेऊ धारी करेंगे, उनका वंशज क्या है, उनके दादा कौन है? आज मैं अगर मेरी पहचान है तो किससे? मेरे फादर से, मेरे फादर के फादर से। आप उनकी पहचान क्या है? वो कहाँ से आते हैं? वो गांधी कैसे लगा था अपने नाम के पीछे? उनके दादा कौन थे? हम अपने किसी को मेंटर मानते हैं ना, कब मानते हैं? जब हम उनसे इंस्पायर होते हैं। आपको लगता है कि देश का युवा पप्पू से इंस्पायर होगा? पप्पू से इंस्पायर होने उसको बोलना तक नहीं आता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश नजदीक आता है ना, तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। आने वाले समय में विपक्ष होगा ही नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व मिटने वाले, कांग्रेस में नेता ही नहीं रहे। एक अच्छी पार्टी, अच्छे संगठन क्या होता है कि हर कुछ सालों में वो परिवर्तन करे, हर किसी को मौका दे, क्योंकि हर इंसान के पास टैलेंट होता है। इन्होंने गांधी परिवार कभी ऊपर किसी को आने ही नहीं दिया। इन्होंने जैसे आज मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, तो उनको कौन, वो एक कठपुतली थे। हमारे राजस्थान में कठपुतलियों का डांस बहुत फेमस है। फ्रंट पे कौन होता है, बैक पे कौन होता है? उनका अगर चाहते ना तो कांग्रेस सरकार बहुत अच्छा यूज करती, लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए, वो अपने मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। विदेशों में जाते सबसे पीछे खड़े होते वो। आज मोदी जी जाते हैं ना, सीना ठोक के खड़े होते हैं, और विश्व के जितने भी देश के जो नेता है ना, वो उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। इसे कहते हैं विश्व।